गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है आटे और खोए से लड्डू बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आटे और खोए से लड्डू बनाना। ये हमने 500 ग्राम आटा लिया है और 500 ग्राम हमने खोया लिया है और एक बड़ा बाउल हमने घी लिया है और ये एक बड़ा बाउल हमने तिखांड ली है और ये हमने थोड़े से मगज लिए हैं और ये बादाम हमने बारीक कट कर लिए हैं और ये इलायची पाउडर लिया है हमने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कढ़ाई ली है। सबसे पहले मैं इसमें घी डालूंगी। ये हमारा घी 400 ग्राम के आसपास घी है। ये हमारा घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें आटा डालूंगी। और इस आटे को मैं अच्छे से भून लूंगी। इसे हम इसी प्रकार से भूनते रहेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। हमने इसमें घी कम ही डाला है क्योंकि हम इसके अंदर खोया डालेंगे। ये हमारे आटे ने कलर छोड़ दिया है, ये भुनने लगा है आटा हमारा। मैं इसे 3 से 4 मिनट तक और भूनूंगी। और ये हमारा आटा अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें ये मैंने मगज लिए हैं ये इसमें डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें ये बादाम डाल दूंगी जो बारीक काट रखे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी क्योंकि बादाम और मगज इसमें ही भुन जाएंगे। इनकी भुनने की आवाज आने लगी है, चट चट की आवाज आने लगी है। गैस को मैं बंद कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर ये खोया डाल दूंगी। खोया हमारा 500 ग्राम है। ये खोया हमारा घर का निकला हुआ है, इसे हमें ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसी आटे के अंदर मिक्स करूंगी इसे। गैस को हमने बंद कर रखा है। खोया हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, फिर इसके अंदर मैं खांड डालूंगी। ये हमारा मटेरियल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें खांड डालूंगी।
ये थोड़ा सा गर्म है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, और इसे मैं हाथ की मदद से मिक्स करूंगी। और इसमें हमारी बूरा अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें चौथाई चम्मच के आसपास इलायची पाउडर डाल दूंगी और इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करूंगी फिर से। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। ये देखो कितने अच्छे से लड्डू बनके तैयार हुआ है। इसी प्रकार से मैं अपने सारे लड्डू बनाकर तैयार करूंगी। इसमें हमने ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ 400 ग्राम घी और 500 ग्राम हमने खोया लिया है, 500 ग्राम ही हमने आटा लिया है, और 400-500 ग्राम के आसपास हमने खांड ली है, स्वाद के अनुसार रखा है इसमें। ये हमारे लड्डू कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। ये हमारे लड्डू सारे बनकर तैयार हो गए हैं। थोड़े से लड्डू रह गए हैं, इन्हें भी मैं इसी प्रकार से तैयार कर लूँगी। ये हमारे आटे और खोए के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।